हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी सी ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। दो रंगों की डिज़ाइन है, सिर्फ दो फंदों की डिज़ाइन है और चार सलाइयों की डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको टू के मल्टीपल फंदे रखने हैं, कोई भी फंदा आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर हमने ब्लैक कलर से फंदे डाल लिए हैं और दो सलाई दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना लिया है। अब यहाँ पर हम सेकेंड कलर लगाएंगे, आगे की साइड से हमारा कलर चेंज होगा। यहाँ पर देखिए हम दूसरा कलर लिए हैं, ये देखिए स्काई ब्लू कलर, जिसको हम आगे की ही साइड से लगाएंगे। इसको हम ऐसे जोड़ लेते हैं, आप चाहें तो धागे में बांध के भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे सभी फंदे को हम सीधा बनाएंगे। देखिए सभी फंदे को आपने क्या करना है, बुनते हुए सीधा बना लेना है। बहुत प्यारी डिज़ाइन, बहुत इजी है। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने लाइव में ये डिज़ाइन बताने की कोशिश की थी, लेकिन नेट की वजह से कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं ये डिज़ाइन पूरा नहीं बता पाई आप लोग को, इसके लिए सॉरी। तो अगर आप लोग लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो डेली 11 बजे से रात 11 बजे मेरी लाइव आती है, तो आप लोग वहाँ पर अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप लोग आएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पर लाइव बात भी हो जाएगी आप लोगों से। तो देखिए एक एक फंदे करते हुए हमने सभी फंदे को यहाँ पे बना लिया सीधा सीधा। ये देखिए हमने सभी फंदे को यहाँ पे सीधा बना लिया। अब आ गए हैं पीछे की साइड, तो पीछे की साइड हमारी डिज़ाइन बने। अब देखिए हम पहले फंदे को आपने एज स्टिच स्लिप कर लेना है, आप चाहें तो बुन भी सकते हैं। हमने इसको ऐसे उतारा, अब धागे को हम पीछे ले जाएंगे, देखिए पीछे की साइड। अब यहाँ पे हम इन दोनों फंदों के बीच से एक लूप निकालेंगे। अरे सॉरी, फंदा हमारे यहाँ पे स्लिप हो गया। अब देखिए दोनों फंदे के बीच से हम यहाँ पे दो फंदे इधर हैं, एक हमने ऐसे लूप निकाला, फंदा हम बुनेंगे सीधा। अब दो एक लूप निकालने के बाद अब यहाँ पे दो फंदे का एक कर देंगे, ठीक, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। हम दो फंदे फिर से यहाँ पे देखिए एक लूप निकाला, यहाँ पे दो फंदे का एक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे दो फंदे के बीच से हमने एक लूप निकाला और यहाँ पे हम ये रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए ऐसे दूसरी सलाई ये हमारी डिज़ाइन की चल रही है। एक सलाई हमने आगे की साइड से बनाया था सीधा सीधा, दूसरी सलाई हमारी ये बैक साइड से चल रही है। ये देखिए पीछे की साइड से हम फंदे को देखिए यहाँ पे उल्टा उल्टा बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से हमने यहाँ पे दो फंदों के बीच से एक लूप निकाला, उसके बाद ये दो फंदे जो हैं इनका हम एक कर देंगे, क्योंकि हमने जो ये लूप निकाला है तो फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। ये देखिए लाइव में मैंने इतना बता दिया था, इसके बाद लाइव अपने आप बंद हो गई, नहीं तो उसी में ये पूरी डिज़ाइन मैं बता देती आप लोग को, मुझे तब बनाना नहीं पड़ता दोबारा इसका वीडियो। फिर से दो फंदों के बीच से एक लूप, आगे को अपनी साइड एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए ऐसे आ रहा है। अब हम
सभी फंदे को सेम इसी कलर से सीधा सीधा बनाएंगे। ये डिज़ाइन की हमारी तीसरी रो है, सीधा साइड। देखिए एक एक करते हुए हम सभी फंदे को सीधा बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को आप बच्चे के स्वेटर पे, अपने लिए कार्डिगन आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। इसको आप लोग कैप या सॉक्स पे नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हमारी जो डिज़ाइन है ये जाली वाली है, इससे आप कार्डिगन बना सकते हैं, छोटे बच्चों का हाफ स्वेटर भी बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। और इसको आप अगर बचे हुए ऊन से बनाएंगे फिर भी। तो एक एक करते हुए हम सभी फंदे को यहाँ पे सीधा सीधा बनाएंगे। तो चलिए हम सभी फंदे को सीधा बना लेते हैं। अब आ गए हम देखिए पीछे की साइड। तो यहाँ पे अब सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। पहले फंदे को एज इट इज उतार लेना है और उसके बाद सभी फंदे को देखिए एक एक करते हुए उल्टा उल्टा बना लेना है। ये हमारी चौथी सिलाई है डिज़ाइन की, ये चौथी। तो ये जो डिज़ाइन हमारी फोर रो की डिज़ाइन है, दो फंदों की, यानी चार सिलाइयों की ये डिज़ाइन है और दो दो फंदे की डिज़ाइन। देखिए आप एक एक करते हुए हमने सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना लिया। ये देखिए हमने बना लिया। अब आ गए हम फिर से आगे की साइड। तो हमारी डिज़ाइन देखिए कुछ ऐसे बन के आई है। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, अब हमारा ब्लैक कलर चलेगा, ठीक। देखिए एक एक फंदे करते हुए हम यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाएंगे। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा और इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब सभी फंदे को हमने यहाँ पे सीधा बुनना है तो इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट करते हैं सभी फंदे को सीधा बना के। हम देखिए पीछे की साइड आ गए। पहले फंदे को हमने ऐसे स्लिप करना है, उसके बाद देखिए धागे को पीछे की साइड ले जाएंगे इस साइड। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ पे दो फंदों के बीच से, देखिए दो फंदे इधर रहेंगे, दो एक हम ऐसे लूप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दो फंदों के बीच से हमने एक लूप निकाला ऐसे, ठीक। अब धागा, अरे सॉरी, फिर ये जो दो फंदे हैं इनको हम एक करेंगे ऐसे लेंगे, ठीक। ऐसे दो फंदे का एक हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ रहा है। ये देखिए जो हम लूप ऐसे लेंगे तो ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे दो का एक कर देंगे ऐसे। तो बहुत ही प्यारी ये डिज़ाइन है और बहुत इजी भी है, आप लोग देख रहे हैं कितनी इजी डिज़ाइन है ये। तो ये हमारी ऐसे पूरी रो में ये रिपीट होगा। कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन है, आप लोग देख रहे हैं, और कितना इजी है। लास्ट में देखिए अब यहाँ पे दो फंदे हैं और
गाइस स्टिच के फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब हम आ गए सीधे किसी में। तो देखिए फिर से हम हमारी डिज़ाइन देखिए कुछ ऐसे बन के आ रही है। अब सीधे की साइड से फिर से हमने सभी फंदे को यहाँ पे देखिए सीधा सीधा बनाएंगे और पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो हमारी डिज़ाइन ये कुछ इस तरह बन के आएगी। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।